लुका छुपी, प्यार की लुका छुपी। ओ स्वागत के लिए A1 वेटर रखे और बुफे में ना कुछ अलग से आइटम रखे ताकि सृष्टि के पापा को भी लगेगा कि हमने उनके बराबर का अरेंजमेंट किया। सार्थक, तुम जो इतना ऊंचा ऊंचा सोच रहे हो ना, कहीं ऐसा ना हो कि वो शादी की व्यवस्था ऐसी करे जैसा वो हम सबको समझते हैं। एकदम थर्ड क्लास। दीदी कैसी बातें करती हो आप, वो लोग ऐसा क्यों करेंगे? बेटा ये जो तुमने सब बताया है इसमें कुछ ज्यादा खर्च नहीं होगा? पापा खर्चा तो होगा लेकिन इससे हमारी सोच के बारे में लोगों को पता चलेगा ना। और दूसरी बात कि शादी तो एक ही बार होती है ना, तो इस दिखावे से बेटा क्या बदलेगा? अब वो क्या कहा तुमने, रिटर्न गिफ्ट? अब भाई ये किस चिड़िया का नाम, हमें तो इतना समय हो गया इस कॉलोनी में, हमें तो किसी ने नहीं दिया ये। हाँ पापा किसी ने नहीं दिया क्योंकि यहाँ के लोगों की सोच छोटी है और इसीलिए जल्दी ही हम इस कॉलोनी का हिस्सा नहीं रहने वाले। बेटा इसी कॉलोनी में पले बढ़े हो और इसी से भाग रहे हो? ये सब तो आजकल के चोचले हैं बिटिया, इसीलिए हमने मेहंदी वाली बुला लिया है। वैसे तुम तो सृष्टि की बड़ी ननद हो, चाहो तो आशीर्वाद के रूप में तुम्हें मेहंदी लगा दो। दादी अम्मा इतनी बड़ी टाप की मेहंदी वाली बुलाए हैं तो वसूल भी कर लो, वैसे हम तो शगुन कर ही देंगे, है ना? अरे गुप्ता जी भाभी जी आई आई आइए, मनोहर जी कहाँ रह गए? नमस्ते जी, आप लोग बैठिए ना, मेहंदी की रस्म बस शुरू करने वाले। लांडे निकली है तुम्हारी एक नंबर लॉटरी है, तुम अपने प्यार को हासिल कर ही लिए। ये लैला मजनू है ना, तुमसे प्यार की ट्रेनिंग लेनी चाहिए थी, खाम खाम मर मर आ गए। लीजिए आ गई सृष्टि। कल्याणी जब तुम वो डिरस दी थी सृष्टि बिटिया को तो तुम उनको बताई थी ना आज मेहंदी के दिन उसको यही ड्रेस पहनना। मम्मी काहे नहीं कहेंगे, कहा था हमने इस सास का मान बढ़ता है इससे। फिर काहे नहीं पहनी? अब दिया हुआ कपड़ा पुलवा को दे दी महारानी। इलियो हुई गवा हमरा काम पूरा, अब थोड़ा आग में घी भी डाल देते हैं और लाओ बड़े घर की बहू ने ऐसे ही सम्मान देगी। आपने दिया हुआ कपड़ा कामवाली को दे दी।